शुरू कीजिए। ओम शम शनेश्वर नारायण मैंने अभी बात करते थे कर रहा वो काम कर 500 रुपए दिए। अरे नीतीश कंसल्टेंट को आज 19 साल हो गए। 18 साल तक हमने मुकदमा भी लड़ा और हम उस मुकदमे में हमें न्यायालय ने न्याय दिया और हमें बरी किया जिस मुकदमे में इन्होंने हमें जेल भेजा था। और हमारी मांग उस वक्त भी यही थी कि जी आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य जो भी है वो ऑफिशियल कार्य करिए और ऑफिशियल वे में करिए, डिक्टेटरशिप में मत करिएगा। परंतु इनका कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं, जिन जिनको जो अलॉटमेंट्स हुई, जो कुछ हुआ, जिसने जो मांगा उसको वो मिला, उसका हर्जाना जो है इनको आज भुगतना पड़ा। और न्यायालय ने जो इनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया है कि इन्हें 3 साल की सज़ा और पेनल्टी लगाई है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में मैं इस बात से खुश हूँ कि आज भी न्यायालय अपना कार्य कर रही है। परंतु मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक न्यायालय ने इनको सजा दी और दूसरी जगह इनको जो है राहत मिल गई। वो चीज़ कि हम बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, किन परिस्थितियों में इन्हें क्या कैसे दिया गया मैं नहीं जानता। देखा सुना तो दिल को खुशी हुई कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं 5 दिन रहे थे, इनको 3 साल की मिली, तो हमारे लोगों की जीत हुई। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यायालय का कि उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया बिल्कुल ठीक। तो हम लोगों का तो जो था वो तो ख़त्म हो चुका, क्योंकि ये सीबीआई के थ्रू जो भी डिसीजन आए हैं वो सीबीआई के आए हैं, सीबीआई इंक्वायरी के बाद आए हैं। और सीबीआई इंक्वायरी भी हम लोगों ने करवाई थी जब हम लोगों को इन्होंने जेल भिजवाया। हम लोग वहाँ 5 दिन हम लोग जेल में रह के आए अब्दुल्लापुर में, पर तब भी हमारी ये डिमांड थी कि जो ये डिक्टेटरशिप चल रही है, डिक्टेटरशिप नहीं चल रही, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के हिसाब से कार्य होना चाहिए। परंतु आज 20 साल बाद न्यायालय ने न्याय दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत आभारी हैं।